सरस्वती की जय, सकले भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, हर आत्मा हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज लाइव। इस समय मैं राजनगर भट्टी चौक के पास स्थित डॉक्टर सियाराम मिश्रा का जो क्लिनिक है उसके ठीक बगल में एक गैरेज है और गैरेज के अंदर में समाज सेवी दयानंद प्रसाद गुप्ता का आवासीय परिसर है। उस आवासीय परिसर में आज एक नया अध्याय जोड़ा गया है। यहाँ महिला चिकित्सक डॉक्टर पुष्पम झा बैठी है, उनका क्लिनिक आज उद्घाटन हुआ है। इसमें कई समाज से भी आए थे जिन्होंने फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है, जो आज शुभारंभ किया गया है। राजनगर को एक नया आयाम मिला है। राजनगर के लोगों को क्या बताना चाहती है अपने सेवा के माध्यम से? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पम झा आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूँ और सभी राजनगर वासियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज से यहाँ दयानंद जी के सपोर्ट से, उनकी मदद से यहाँ पे एक क्लिनिक का शुभारंभ किया है, जहाँ की महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज का सारा सुविधा, जो भी सुविधा मैं उपलब्ध करा सकती हूँ, अधिकतर सुविधा मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगी। तो मैं उन सब महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि आप आ करके एक बार परामर्श लें, सलाह लें, जो भी आपकी समस्या है वो समस्या को लेकर आएँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी रोग से संबंधित समस्याओं का निदान कर सकूँ। मैडम, आपके पास डिग्री भी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है और आप देश के कई अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आपने समय बिताया है, उस पर एक चर्चा करें। जी, मैंने एम्स पटना में 2 साल काम किया है, उसके बाद मैंने कटिहार रेलवे हॉस्पिटल में 1 साल काम किया है, उसके बाद 2 साल मैंने गुवाहाटी में सन वैली हॉस्पिटल में काम किया है और 1 साल मैंने पार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम किया है। 11 तारीख से 21 तारीख तक मुफ्त, 11 से 21 तक आपको OPD मुफ्त रहेगा और इनका जो सलाह, इनका जो राय, इनकी जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा से हम भी अपील करते हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं, खास करके जिला पर पहुँचती थी और जिला में जो चिकित्सक होते थे उनसे सलाह लेती थी, उनका समय और पैसा दोनों बचेगा यहाँ इलाज कराने पर। तो आप निश्चित यहाँ पहुँचे और डॉक्टर पुष्पम झा, जो नाम की मोहताज नहीं है, इनके साथ बहुत सारा अनुभव जुड़ा हुआ है, इनके अनुभव का लाभ लें। राजनगर को एक नया आयाम मिला है। इस अवसर पर व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद जी भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या संबोधित किया है? आज बहुत ही सौभाग्य से गैनिक विभाग की, जो महिला के लिए बहुत ही जरूरी था, डॉक्टर आई है, डॉक्टर पुष्पम झा जी। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आज मंगलवार का दिन है, भगवान की कृपा बनी रहे, मंगलमूर्ति सदा सुखी। जो भी लेडीज माता बहन यहाँ आवे और स्वस्थ होकर के जाए, यही शुभकामना है। मैं आनंद कुमार डोकानिया, अध्यक्ष मधुबनी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। आज ये जो राजनगर में जो बहुत प्रतीक्षित महिला चिकित्सक का घोर अभाव था, आज हम समझ रहे हैं कि सालों से पूरा क्षेत्र, राजनगर का जो क्षेत्र है, महिला चिकित्सक के अभाव में परेशान था। कोई भी छोटा भी काम होता था तो मधुबनी दरभंगा जाना होता था। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राजनगर में महिला चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक, जो कि MBBS DGO की डिग्री है जिनके पास एम्स पटना में काम करने का अनुभव है, वो हमारे राजनगर में आई हैं और ये जो आज ये क्लिनिक का शुभारम्भ हुआ है, ये बहुत 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 ही अच्छी बात है और हम लोग पूरा समाज इस बात के लिए ऋणी है कि एक अच्छी चिकित्सक हम लोग के क्षेत्र में आई हैं। हम लोगों से जो भी सहयोग होगा वो तन मन धन से हम लोग देंगे कि ताकि आम जनता को लाभ हो। आप डॉक्टर पुष्पम झा से संपर्क करें और पुष्पम झा से सलाह लें। 11 से 21 तक आपको मुफ्त OPD यहाँ मिलेगा, उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को मुफ्त OPD मिलेगा। और डॉक्टर पुष्पम झा के बारे में बता दें कि पूर्व चिकित्सक रही है, एम्स पटना काम कर चुकी है और NF रेलवे कटिहार में भी सेवा दे चुकी है, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद, साथ ही सन वैली हॉस्पिटल गुवाहाटी में भी अपना योगदान दे चुकी है। और राम लखन राय हमारे चाचा जी भी हैं, समाज सेवी हैं और राजनगर महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष भी हैं। चाचा सामाजिक काम में अग्रणी रहते हैं। चाचा जी, आज उद्घाटन में पहुंचे हैं आप, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजनगर में मेडिकल ऑफिसर आई है
और उनको मैं पूर्ण रूप से अपने सारे समाज की ओर से एक सीनियर सिटीजन के नाम पे आश्वासन देना चाहता दूंगा कि इनका सहयोग में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने जो भी अनाउंस किया करवाए हैं और जो भी सुविधा के लिए बताया गया है यह प्रशंसनीय है और यह गौरव की बात है कि हमारे राजनगर में पुष्पम जी आकर के हमारी समस्या को, महिलाओं की समस्या को दूर करेंगे।